जिज्ञासु श्रद्धालुओं, सांख्य दर्शन के अंदर तत्वों की चर्चा है। 25 तत्व उसमें बताए गए, तो इन 25 तत्व, प्रथम तत्व प्रकृति है। प्रकृति, महत, अहंकार, मन, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 तन्मात्राएं और पंचभूत, ये 24 हुए। और 25वां है पुरुष। तत्व ज्ञान सांख्य दर्शन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि तत्व ज्ञान ही जीवन का लक्ष्य है। कई लोग तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं, उसके विषय में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन तत्व ज्ञान है क्या? यह विषय सांख्य दर्शन का है। सांख्य दर्शन जो है, सांख्य शास्त्र जो है, वो तत्व ज्ञान की चर्चा करता है। अब एक प्रश्न इसमें ये उठता है, ये बनता है, क्या अन्य जो ग्रंथ हैं, ये शास्त्र हैं, वो तत्व ज्ञान की चर्चा नहीं करते? तो ये विषय बनता है एक। तो जिस प्रकार से सांख्य में तत्व ज्ञान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और तत्व ज्ञान की विशद व्याख्या सांख्य में मिलती है, या फिर तत्व ज्ञान शब्द का प्रयोग सांख्य शास्त्र के अंदर जितना महत्व देकर किया गया है, उतना अन्य शास्त्रों में नहीं है। जैसे वेदांत, वेदांत का विशद व्याख्या वेदांत में किस विषय का है? तो वो ब्रह्म है। तो वेदांत ब्रह्म ज्ञान के बारे में बताता है और सांख्य तत्व ज्ञान के बारे में बताता है। अब यहां पर एक प्रश्न उठता है, क्या ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान ये दोनों अलग अलग हैं? और आत्मज्ञान क्या अलग चीज है, तत्व ज्ञान क्या अलग चीज है, और क्या ब्रह्म ज्ञान अलग चीज है? क्योंकि आजकल ना कई लोग मिलते हैं, हम शास्त्र सम्मत चर्चा करेंगे इसके ऊपर, मुख्य तो तत्व ज्ञान पर ही चर्चा है क्योंकि सांख्य का विषय चल रहा है, सांख्य शास्त्र का। तो समाज में ऐसा भ्रम फैला हुआ है कि तीनों एक हैं, लेकिन शास्त्रों की परिभाषा के अनुसार, शास्त्रों के शब्द प्रमाण के अनुसार, प्रथम प्रमाण शब्द प्रमाण, उसके बाद जो है मीमांसा के अनुसार, प्रथम तो शब्द प्रमाण ही होता है भाई, आपको पहले वेदों का ज्ञान हो, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज हो, तब प्रैक्टिकल पर आइए, वो ये कहता है। सीधा प्रैक्टिकल पर जाने के बाद मीमांसा दर्शन नहीं करता। तो पहले उसको समझिए, फिर अपना कर्म में उसको उतारिए, कर्म को जानिए। तो तत्व ज्ञान की जब चर्चा आती है, तो तत्व ज्ञान क्या है सांख्य शास्त्र के अनुसार, तत्व ज्ञान क्या है? और क्योंकि ये तत्व ज्ञान, अब सांख्य जब शास्त्र के जब हम बात करेंगे तो उसमें हम ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ब्रह्म सांख्य शास्त्र का विषय ही नहीं। ब्रह्म व्याख्या सिर्फ वेदांत में मिलता है। ब्रह्म व्याख्या ना न्याय में है, ना वैशेषिक में है, ना मीमांसा में है, और ना ही सांख्य में है, और ना ही योग में है। ब्रह्म व्याख्या योग में भी बिल्कुल नहीं है। ब्रह्म व्याख्या सिर्फ और सिर्फ वेदांत, उसमें भी मुख्य रूप से अद्वैत वेदांत, क्योंकि ब्रह्म को अद्वैत माना गया। तो वेदांत के अंदर ब्रह्म व्याख्या है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान की चर्चा भी वेदांत में है, सांख्य में नहीं है। सांख्य तत्व ज्ञान की चर्चा करता है, और तत्व ज्ञान की चर्चा में वो क्या कहता है कि ये जो 25 तत्व है, पहला प्रकृति, दूसरा महत्व, फिर अहंकार, तीसरा मन, चौथा, और 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, कितने हो गए 14, 5 तन्मात्राएं 19, 5 पंचभूत 24।
तो ये 24 तत्व हैं, 24 तत्व हैं, और फिर 25वां कौन सा है? 25वां है पुरुष। एक बात ध्यान रखिएगा, एक विशेष बात क्या है कि पुरुष को 25वां तत्व बताया गया है, पहला तत्व नहीं। यद्यपि सारी घटनाएं पुरुष से शुरू हो रही है, पुरुष चैतन्य है, प्रकृति जड़ है, पुरुष निष्क्रिय है, प्रकृति सक्रिय है, पुरुष निर्गुण है और प्रकृति गुणवान है। तो प्रारंभ में जो हो रहा है वो प्रकृति और पुरुष के संसर्ग से हो रहा है, और उसके बाद फिर महत्व, अहंकार और ये सारी चीजें विकसित हो रही है। विकासवाद का सिद्धांत जो वहां पर आता है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को एक्सेप्ट करता है सांख्य शास्त्र। तो अब जो है ये तत्व ज्ञान, सांख्य शास्त्र के अनुसार जो तत्व ज्ञान है कि इन 24 तत्वों को जानना प्रकृति के, और 25वां उस पुरुष को जान लेना, ये तत्व ज्ञान है। तो तत्व ज्ञान सांख्य दर्शन के अनुसार जो तत्व ज्ञान है वो है 24 तत्वों को जानना जो प्रकृति के हैं, क्योंकि प्रकृति के विकास की प्रक्रिया है कि प्रकृति महत्व में, अहंकार में, फिर जो है मन में, कर्मेंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, तन्मात्राएं और पंचभूतों में विकसित हो रही है। ये प्रकृति के विकास का क्रम है। तो नेचर, प्रकृति जो विकसित हो रही है, तो प्रकृति के इन तत्वों का ज्ञान, और फिर उस आखिरी पुरुष का ज्ञान जो परम चैतन्य है, उसका ज्ञान कर लेना ही तत्व ज्ञान है, इसको तत्व ज्ञान कहा गया है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि उस क्या हम 24 तत्वों को जान ले तो उसको तत्व ज्ञान नहीं कहेंगे? नहीं, वो अधूरा तत्व ज्ञान कहेंगे। जब तक आप 25वां तत्व जो पुरुष तत्व है, जो चैतन्य है, जो परम चैतन्य है, परम चेतना जिसको कही गई है, परम पुरुष भी उसी को कहा जाता है शास्त्रों में, जिसको परम पुरुष कहा गया है, वेदाह में तम पुरुखम महांतम आदित्य वर्णंतम सप्रस्ताप जिसे कहा गया है, जो वर्णित, जो वो महापुरुष, जो पुरुखम महांतम, वो परम पुरुष जो है महान, वो यहां पर उसी पुरुष को कहा गया है जो चैतन्य है। तो उसको इन 24 तत्वों को जानते हुए 25वां उस पुरुष को जान लेना तत्व ज्ञान है। तो फिर ब्रह्म ज्ञान क्या है? वो तो ब्रह्म को जानना। तो कई बार क्या होता है, व्याख्या करने वाले जिन्होंने अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, कहीं पर कुछ मिलावट में, कहीं पर कुछ प्रवचन में सुन लिया, कहीं पर किसी के अनर्गल किसी ने किताब भाई अपना मन में आया, और ये अध्यात्म एक ऐसा विषय है लोग कुछ भी लिख जाते हैं, चलो भाई हमको तो ये लगता है कि भगवान ये, हमने कलम पकड़ा लिखना शुरू कर दिया। लेकिन यहां पर जो चर्चा चल रही है वो शास्त्र सम्मत चर्चा चल रही है कि शास्त्र क्या कह रहे हैं। तो सांख्य शास्त्र के अनुसार, क्योंकि तत्व ज्ञान सांख्य शास्त्र का विषय, ये भी ध्यान रखिएगा, वेदांत तत्व ज्ञान की चर्चा नहीं करता, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करता है, तत्व ज्ञान की चर्चा सांख्य शास्त्र करता है, ये बहुत बड़ी विशेषता है। तो जब भी हम तत्व ज्ञान की बात करेंगे तो सांख्य के अनुसार, तो सांख्य कहता है कि प्रकृति के 24 तत्व और 25वां पुरुष को जान लेना, ये जो पुरुष तत्व है उसको जान लेना, ये तत्व ज्ञान है। तो अब क्या ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान एक ही चीज है? अगर हम परम पुरुष, जो यहां पर परम पुरुष की जो व्याख्या है, और हम उसको अगर हम ब्रह्म की व्याख्या से मिलाएंगे तो मिलती जुलती बातें तो है, लेकिन फिर भी भिन्नता है, क्योंकि यहां पर प्रकृति का भेद है और वेदांत में प्रकृति का भेद नहीं है। वेदांत ये कहता है कि ब्रह्म का ही विस्तार सब कुछ है, ब्रह्म ही सूक्ष्म और स्थूल में कन्वर्ट हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है और अपना विस्तार कर रहा है। तो तीन विस्तार बताया गया, ब्रह्म और फिर हिरण्यगर्भ और फिर वैश्वानर, वैश्वानर के रूप में, इस जगत के रूप में, ब्रह्मांड के रूप में, जो स्थूल जगत है उस रूप में ब्रह्म का ही विस्तार है। तो प्रत्येक वस्तु ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि वहां सीधा कह दिया गया, अयमात्मा ब्रह्म, आत्मा ही ब्रह्म है, प्रत्येक वस्तु में ही ब्रह्म, में ब्रह्म नहीं है, प्रत्येक वस्तु ही ब्रह्म है, कुछ इस तरह की चर्चा है। लेकिन यहां पर ऐसी चर्चा नहीं मिल रही, यहां पर तो प्रकृति पुरुष को अलग अलग किया जा रहा है, द्वैतवाद है यहां पर, प्रकृति और पुरुष का द्वैतवाद है, जड़ चेतन का जो द्वैतवाद कहते हैं, रामचरितमानस में एक चौपाई आती है कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करतार, कि जड़ चेतन और गुण दोष को मिलाकर ये सारी सृष्टि बनी है, कुछ इस तरह की चर्चा वहां आती है। तो तत्व ज्ञान
सांख्य शास्त्र के अंदर अब ब्रह्म को जान लेना, अब ये वहां पर भी अगर आप ब्रह्म ज्ञान की बात करते हैं और ब्रह्म को जान लेना कोई साधारण बात नहीं, वैसे ही इस पुरुष को जान लेना कोई साधारण नहीं है। ये निर्गुणी है, ये चैतन्य है, ये निष्क्रिय है और प्रकृति सक्रिय है, गुणवान है लेकिन जड़ है। तो ये भेद है। तो उसके तत्वों को जान लेना, मन बुद्धि चित्त अहंकार इन सब को जानना, पर कर्म इंद्रिया ज्ञान इंद्रिय के मर्म को जानना, तन मात्राओं को जानना और पंचभूतों के रहस्य को जानना, इनको जानते हुए पंच फिर आखिर में 25वां तत्व जो पुरुष है, 25वां पुरुष है, ये ध्यान रखिएगा। सांख्य शास्त्र के तत्वों की गिनती में 25वां कहते हैं पुरुष को, क्यों? क्योंकि वो लास्ट में इस जानने की प्रक्रिया में, अगर कोई ये कह दे कि मैं ब्रह्म को जानता हूं तो भाई क्या तुम महत्व को जानते हो? सांख्य शास्त्र में ये प्रश्न उठ जाएगा। क्या तुम प्रकृति को जानते हो? क्या तुम मन को जानते हो? क्या ज्ञानेंद्रियों के रहस्य को समझते हो? मन बुद्धि चित्त अहंकार के रहस्य को जानते हो? अगर वो ये कहे कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, मन को नहीं जानता हूं, बुद्धि को नहीं जानता हूं, चित्त अहंकार को नहीं समझ जानता हूं, तो इसका अर्थ है वो उस परम पुरुष को भी नहीं जानता है, क्योंकि सांख्य शास्त्र का दावा यही है कि उस परम पुरुष को जानने के लिए आप इन 24 तत्वों को जब जान जाएंगे, प्रकृति के विकास प्रक्रिया जो है, प्रकृति से महत्व, फिर अहंकार, फिर मन, कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, तन्मात्राएं और पंचभूत, जब आप इन 24 तत्वों को जान जाएंगे तब जाकर आप 25वां जो पुरुष है उसको जान पाएंगे, उस परम चैतन्य तक आप पहुंच पाएंगे। ये सांख्य शास्त्र का दावा है। कोई सीधा कहे कि मैं परम पुरुष को जान जाऊंगा तो ये संभव होने वाली बात नहीं है। या तो उसको ब्रह्म है, ऐसी ब्रह्म ज्ञान की जब व्याख्या, जिस प्रकार से व्याख्या ब्रह्म ज्ञान की मिलती है, तो ब्रह्म की जो, ब्रह्म का जो साक्षात्कार है, आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं वो पारमार्थिक सत्ता में संभव है और वो समाधि में घटित होती है। उससे पहले ब्रह्म का साक्षात्कार संभव नहीं है। उसके पहले हाँ ये कह सकते हैं, एक बात कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति जानने की प्रक्रिया में है, उस ब्रह्म को जानने की प्रक्रिया में है या उस परम पुरुष को जानने की प्रक्रिया में है। तो जानने की प्रक्रिया में होना और जान लेना, इन दोनों में अंतर है। इस अंतर को, हमें फर्क को समझना है। लेकिन लोग, आप देखो तो लोग तुरंत हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, हम तत्व ज्ञानी हो गए, ऐसा घोषणा करने में वो नहीं सोचते, जबकि ऐसा संभव नहीं। क्योंकि जब आपको उस परम तत्व का ज्ञान होगा तो आप स्वयं ही उसके गुणों को धारण कर लेंगे, आपके अंदर निष्क्रियता आ जाएगी, आपके अंदर चेतनता आ जाएगी, आपकी चेतना विकसित हो जाएगी, आपके लिए संसार के कर्म छूटने कोई वो नहीं रह जाएंगे, अपने आप कर्मों से निवृत्ति होती है। कर्मों से निवृत्ति का मतलब लोग समझते हैं घर बार छूट गया, नहीं, अरे ऐन्द्रिक कर्मों का निवृत्ति, आपने घर बार तो छोड़ दिया लेकिन आपके इंद्रियों ने कर्म नहीं छोड़ा अभी तक, आपके मन ने कर्म नहीं छोड़ा अभी तक, वो भी कर ही रहा है, वो घर में भी कर रहा था, घर के बाहर भी कर रहा है, कई प्रकार से कर रहा है। तो कर्मों की निवृत्ति का तात्पर्य साधना के द्वारा संभव है। इसलिए जब तत्व ज्ञान कैसे होगा, जब माता देवहूति को जब कपिल मुनि सुना रहे थे सांख्य शास्त्र की चर्चा और तत्व ज्ञान की चर्चा जब बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि यह तत्व ज्ञान होगा कैसे, तो मैंने मुंह से बता दी सारी बातें। तो जो मुख से बताई गई वो तो सूचना मात्र है ना, वो तो एक सूचना है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल अनुभूति कैसे होगा, तो उसके लिए अष्टांग योग के मार्ग को अपनाना पड़ेगा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। तो सांख्य योग में इसको बताया गया है थोड़ा बहुत, मुख्य रूप से इसकी विशद व्याख्या जो है वो पतंजलि योग सूत्रों में मिलती है, पतंजलि दर्शन में। तो अष्टांग योग जो है इसकी पूरी व्याख्या हम जब हम योग दर्शन पे प्रारंभ करेंगे अपने व्याख्यान को इस चैनल के माध्यम से, तो उसमें आपको सुनने को मिलेगा। अभी हम अष्टांग योग की चर्चा नहीं, आज हम तत्व ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। तो अष्टांग योग के मार्ग पर चलना पड़ेगा, यम नियम। अब यम नियम में स्नान ध्यान पूजा से ही सब कुछ स्टार्ट होता है, यहीं से शुरू होता है। ये करते हुए फिर नियमों का पालन सही से करते हुए, ब्रह्म जो है असत्य भाषण नहीं करना है, तो इंद्रिय वो करते हुए, संयम करते हुए, विषयों का वो से दूरी बनाकर रखते हुए, मन को चंचल नहीं होने देना, कई नियमों के पालन यम नियम में आते हैं। और फिर आपके
यम नियम आसन आसन का अभ्यास, बैठने का अभ्यास, फिर प्राणायाम प्राणों पर विजय प्राप्त करने का, उस पर नियंत्रण करने का अभ्यास, फिर प्रत्याहार में हम जाएंगे तो हमें मन समझ में आ जाएगा। प्रत्याहार तक जाने में ये इंद्रियां और मन का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है क्या चीज है, और उसके बाद फिर प्रत्याहार के बाद धारणा ध्यान समाधि, तो हम उस अहंकार को नष्ट करते हैं ध्यान की अवस्था में जाकर, और फिर हम परम चेतना, परम चेतना जो पुरुष है उसका साक्षात्कार होगा। उससे पहले समाधि की अवस्था में, तो उससे पहले वेदांत में नहीं मानता कि आप ब्रह्म को जान पाएंगे समाधि से पहले, उसके पहले आप जानने की प्रक्रिया में। कुछ लोग कहते कि भाई हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमें ब्रह्म ज्ञान हो गया और हमें हमने उस तत्व ज्ञान हो गया, तत्व ज्ञान हो गया, हमने उस परम पुरुष को क्या देख लिया भाई, तो बताएंगे कि हमने अपने घट में परम ज्योति को देखा, जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। तो जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था वो गुणवाचक था, वो गुणवान था, और आपने जो देखा प्रकाश वो भी गुणवान है, उसमें भी गुण निहित है, क्योंकि जब आप देखते हैं तो आपके अंदर भावनाओं को उत्पन्न करता है, इसीलिए वो पुरुष नहीं है, क्योंकि पुरुष तो निर्गुण है सांख्य की व्याख्या के अनुसार, वेदांत की व्याख्या के अनुसार ब्रह्म भी निर्गुण है, वो प्रकाश रूप में है ही नहीं। ठीक, तो जहां प्रकाश रूप में, ईश्वर को प्रकाश रूप कहा गया है, लेकिन ईश्वर को प्रकाश रूप कहना, भगवान को सहज प्रकाश रूप भगवान, ये बात कहना, क्योंकि ये अंतर है, ब्रह्म क्या है, भगवान क्या है, और ये पुरुष क्या है, जो सांख्य शास्त्र में इनकी व्याख्याएं अलग अलग मिलती है। भगवान का अस्तित्व भाव जगत में है और ब्रह्म भावातीत है, और सांख्य का पुरुष तत्व जो है वो भी भावातीत है, भावनाओं से परे, और भगवान भाव जगत में है, भगवान की प्राप्ति भावनाओं से होती है, कहते ना भाव के भूखे प्रभु और भाव ही के सार है, तो जहां पर भाव के भूखे प्रभु है वो भगवान है, ब्रह्म भाव का भूखा नहीं है, पुरुष भाव का भूखा नहीं है, सांख्य शास्त्र का जो पुरुष है वो भाव का भूखा नहीं है। इसलिए वेदांत में जो ब्रह्म की व्याख्या हो रही है और सांख्य में जो पुरुष की व्याख्या हो रही है वो मिलती जुलती तो है, लेकिन फिर भी एक जगह पर जाकर थोड़ी अलग हो जाती है, क्योंकि वेदांत में अद्वैत है, वहां पर द्वैत नहीं हो, बाद में जीव और ब्रह्म का द्वैत माध्वाचार्य जी के उसमें मिलता है टिप्पणी में, व्याख्यान में, उनके अपने फिलॉसफी में वो चीज मिलती है, वो एक अलग बात है, लेकिन पुरुष प्रकृति का द्वैत है, जड़ चेतन का द्वैत है सांख्य शास्त्र के अंदर, सांख्य शास्त्र के अंदर जड़ चेतन का द्वैत है। तो तत्व ज्ञान ये सांख्य शास्त्र का विषय है, ब्रह्म ज्ञान वेदांत का विषय है, अगर आप शास्त्र अनुकूल चर्चा करते हैं तब हाँ ये मान सकते हैं कि ब्रह्म वेदांत का ब्रह्म और सांख्य का पुरुष एक ही है, लेकिन फिर भी व्याख्याओं में अंतर है, क्योंकि यहां पर प्रकृति की अवधारणा है और वहां पर नहीं है, वहां पर ब्रह्म का ही विस्तार सब कुछ माना गया है, वैश्वानर हिरण्य गर्भ ये ब्रह्म के विस्तार है, सूक्ष्म जगत में हिरण्य गर्भ, स्थूल जगत में ये ब्रह्मांड के रूप में वैश्वानर के रूप में ब्रह्म ने ही अपना प्रसार कर रखा है, वहां प्रकृति के अस्तित्व को महत्व नहीं दिया जा रहा। तो लेकिन सांख्य शास्त्र में शुरुआत ही इस बात से है कि पुरुष और प्रकृति का संसर्ग और उसके द्वारा महत, फिर ये विकासवाद इवोल्यूशन शुरू होता है, महत के बाद अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और तन्मात्राएं और पंचभूत जो चला आ रहा है इसमें हम बोलते जा रहे हैं। तो ये चीज है, तो इनको जान लेना, तो ये बहुत बड़ा दावा है कि कोई ये कहे कि मैंने उस, क्योंकि ऐसे लोग मिल जाते हैं कि हम ब्रह्म ज्ञानी हो गए, ज्ञानियों की सेना भी बन गई, ठीक ना, तो ठीक है आपका बहुत बड़ा वर्चस्व होगा, बहुत ताकतवर होंगे आप, तो आप कहिए जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो जाती, लेकिन शास्त्रों की अपनी ताकत है, अपनी शक्ति है, और वो हजारों वर्षों से वो अपनी ताकत को प्रमाणित करते आए बार बार, तो इसलिए शास्त्र ऐसा नहीं कहते, शास्त्र ऐसा नहीं कहते। तो जो तत्व ज्ञान है, कोई ये कहे कि मैंने सीधा उस पुरुष को जान लिया लेकिन अभी तक मुझको महत तत्व समझ में नहीं आया, मुझे मन इंद्रिया समझ में नहीं आई, तो समझो कि अभी तक उसको तत्व ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए प्रकृति के 24 तत्व और 25वें उस परम पुरुष चैतन्य पुरुष को जान लेना ही तत्व ज्ञान है, इसको तत्व ज्ञान कहा। तो ये शास्त्र सम्मत चर्चा है, जब हम किसी शास्त्र को हम पढ़ते हैं तो उस पर वास्तव में हम कोई गिनी चुनी बातें ना पढ़ने की फलानी जगह ऐसा लिखा है फलानी, हमें कुछ अपने
लोग शास्त्रों को पढ़ते अपने स्वार्थ के अनुसार, जो ढूंढना चाहते हैं वही पढ़ते हैं, उसमें बाकी चीज छोड़ देते हैं। किसी को बताना था कि हाँ भाई भगवान दिखाई देता है, तो सब में से वो भगवान दिखाई देने वाला चौपाई, भगवान दिखाई देने वाला श्लोक रट लिया और बाकी सब छोड़ दिया। बाकी की व्याख्या समझ में नहीं आ रही, बाकी की व्याख्या का क्या लिंक जुड़ता है वो पता नहीं चल रहा है। तो इसलिए जो है ये भ्रम समाज के अंदर, तो ब्रह्म ज्ञान कम ब्रह्म ज्ञान ज्यादा हो जाता है, गलतफहमी हो जाती है कि हमको ज्ञान हो गया है। तो ये जो चीज है, हाँ जानने की प्रक्रिया में व्यक्ति हो सकता है, मैं फिर बात रिपीट कर रहा हूं इस चीज को, ये मत बोले कि बार बार रिपीट, जानने की प्रक्रिया में अगर कोई ये कहता है कि मैं साधना मार्ग पर हूं और मैं अपने अंतर्घट में अंदर उस आत्म ज्योति का दर्शन करता हूं और उस नाद को श्रवण करता हूं, तो तुम जानने की प्रक्रिया में हो, तुम जान गए हो ऐसा नहीं है, आप जानने की प्रक्रिया में है। तो क्योंकि गुण, क्योंकि ब्रह्म जो है वो तो उसको तो स्पष्ट रूप से सांख्य शास्त्र भी कहता है, उस परम पुरुष को गुणहीन कहता है, उसमें गुण नहीं है, गुणहीन भी नहीं, वो निर्गुण कहता है उसको, हम ये मान सकते हैं। तो वो लेकिन शब्दों से नहीं, एक और बात है, शब्दों से निर्गुण निर्गुण निरंकार निरंकार करने से निरंकार नहीं हो जाएगा। आप इसी चैनल में निराकार परमात्मा पर जो वीडियो है उसको सुन सकते हैं, ये उसके बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि निराकार मुंह से कहने से निराकार नहीं हो जाता। जब तक आप समाधि तक नहीं पहुंच जाते तब तक निराकार का साक्षात्कार होता ही नहीं है। फिर कुछ लोग कहते कि नहीं हमने अंतर्घट में ज्योति ब्रह्म को देखा है और वो निराकार है। भैया जब आपने उसको ज्योति बोल दिया तो वो निराकार हो ही नहीं सकता, वो गुण लेकर आ गया, और जिसके अंदर गुण विद्यमान होगा वो कभी निराकार नहीं होगा, क्योंकि जब वो निर्गुण होगा तभी निराकार होगा। कोई भी वस्तु संसार में निराकार नहीं है, ना प्रकाश निराकार है, ना ध्वनि निराकार है, ध्वनि तत्व भी निराकार नहीं है, ठीक है। तो इस संसार में, इस प्रकृति, इस जड़ जगत में तो कुछ निराकार होता ही नहीं, सीधी सी बात। तो हाँ सूक्ष्म हो सकता है, ये प्रकाश की जो किरणें हैं वो सूक्ष्म है, ध्वनि की जो तरंगे हैं वो सूक्ष्म है, उनका मेजरमेंट करना आसान नहीं है, लेकिन आज का विज्ञान करता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कि वो सूक्ष्म है तो निराकार हो गया, ऐसा नहीं है। सूक्ष्म होना अलग विषय है, निराकार निर्गुण होना अलग विषय है, वो ब्रह्म के लिए उस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये इसके मर्म को हमें समझना है, जब हम सही अर्थ समझेंगे। इसलिए मीमांसा में शब्द प्रमाण को सबसे महत्व दिया गया, पहले आप वेदों को पढ़े, जाने उसमें क्या लिखा गया है, जब आप जान जाएंगे तो फिर आपको बाकी अर्थ प्रैक्टिकल रूप में समझने में आसानी। आपके पास शब्द ही नहीं है तो आप कर्म क्या करेंगे, शब्दों के बाद कर्म की प्रवृत्ति वहां पर इस तरह से चर्चा की गई है। इसलिए क्योंकि वहां पर सारा संघर्ष मीमांसा का वेद को लेकर था कि हमें वेद प्रमाणित करने हैं, वेदों को प्रमाणित प्रमाण मानकर चलना उसको कहा गया था। लेकिन अष्टांग मार्ग सांख्य शास्त्र में जब तत्व ज्ञान की चर्चा आती है तो ये तत्व ज्ञान प्राप्त कैसे होगा, तो कपिल मुनि कहते हैं अष्टांग योग से होगा, यम नियम जो मैंने अभी कुछ देर पहले उससे अभ्यास करते करते जब हम समाधि तक पहुंचेंगे तो हमें परम चेतना का साक्षात्कार होगा, तो वहां पर जाकर हमारा तत्व ज्ञान पूर्ण होगा, हम 25वें तत्व को जान लेंगे, उसके पहले बाकी तत्वों को हम जान पाएंगे साधना के द्वारा। तो ये तत्व ज्ञान यह है, क्या है, प्रकृति के 24 तत्व और 25वां उस चैतन्य पुरुष, उस परम चैतन्य पुरुष को जान लेना, जिसके बारे में वेद भी कह रहे हैं वेदामेतम पुरुषम महांतम, उस पुरुष को जान लेना, वो उसकी मृत्यु नहीं होती, और जब तक जीव भाव के वशीभूत है तो मरेगा। यम यम वापि स्मरण भावम त्यस्तन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावित, कि जो जैसे जैसे भाव रखेगा वो अपने भाव के अनुकूल देह त्यागेगा और उसी भाव को प्राप्त करेगा। तो जन्म मरण का चक्कर तो जब तक भावनाएं हैं तब तक लगा रहेगा, जब तक भावनाएं हैं जन्म मरण का चक्कर लगा रहेगा। तो जो है ये जब हम जान जाएंगे उस परम तत्व को, परम चेतना को, उस पुरुष को, तो तत्व ज्ञान होगा और तत्व ज्ञान से मोक्ष होगा, सीधी सी बात है। तत्व ज्ञान है क्या, मोक्ष का साधन है, मोक्ष का साधन है, उससे मोक्ष प्राप्त होगा। तो जब हो जाएगा तब, हाँ आप जानने की प्रक्रिया में लग जाइए, एक समय हो जाएगा। दिव्य सृजन समाज के द्वारा जो साधना पद्धति यहां पर दी जाती है, इंट्रोवर्ट मेडिटेशन, अंतर्मुखी साधना जो दी जाती है, वो
उसी अष्टांग योग पर ही आधारित साधना है। तो हम जब उसको करते हैं, उसका अभ्यास करते हैं, तो हम धारणा, ध्यान, इन सब चीजों को जान पाते हैं, सब चीजों को जान पाते हैं, हम अंतर्मुखी होकर जानने की प्रक्रिया से जुड़ जाते हैं। जानना और पढ़ लेना, पढ़ के मान लेना, इन दोनों में अंतर, जानने मानने में फर्क है। तो पढ़ना नहीं, अगर पढ़ने से ज्ञान हो जाता तो कपिल मुनि माता देवहूति को अष्टांग योग के बारे में क्यों बताते? वो तो प्रकृति पुरुष और प्रकृति के तत्व और पुरुष 25वां तत्व, ये सारी व्याख्या तो अपने मुंह से सुना ही चुके थे, तो सुनकर ही ज्ञान हो जाता सर। अष्टांग योग को व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ेंगे तो तृतीय स्कंध में भगवान कपिल मुनि पहले प्रकृति पुरुष की चर्चा करते हैं और फिर बाद में अष्टांग योग की चर्चा करते हैं। कि अगर इसको जानना है, प्रकृति पुरुष के रहस्य को जानना है, तो अष्टांग योग का अनुसरण करना होगा। तो अंतर्मुखी साधना हमें अंतर में उतरने में सहायक है कि हम अंतर्मुखी हो जाएं और हम अपने मन इंद्रियों की क्रियाओं को पहले जान सके कि वो क्या है, और फिर हम उस पर ध्यान लगाते लगाते आगे बढ़ते बढ़ते उस ज्योतिर्ब्रह्म पर ध्यान करते करते हम आगे बढ़ते बढ़ते उस परम चेतना तक हम पहुंच पाए, उस परम पुरुष तक हम पहुंच पाए, तो हम ज्ञानी हो जाएंगे, कोई अगर वर्णमाला पढ़ना है तो क पढ़ लेने से किसी को वर्णमाला का ज्ञान नहीं हो जाता, या ABCD पढ़ रहे हो तो जेड तक पढ़ोगे तो कहा जाएगा कि हाँ अंग्रेजी वर्णमाला का ज्ञान है, ठीक है। तो क्षत्रज्ञ तक हम हिंदी वर्णमाला क से ज्ञ तक हम पढ़ लेंगे तो जो है इसमें जितने भी क ख ग घ ङ च छ झ ञ जो भी है, ठीक, प फ भ भ म त थ ध ध य, तो ये जो कुछ भी है ये हम सारी वर्णमालाएं जो है हिंदी भाषा की, तो सिर्फ क पढ़ लेने से हम खुद को ब्रह्म ज्ञानी घोषित कर दे ये तो पाखंड है, आडंबर है, और ब्रह्म ज्ञान नहीं, ब्रह्म ज्ञान है। फिर वो जानने की प्रक्रिया में होना और जान लेना, इन दोनों में भेद है। तो क पढ़ लेने से किसी को पूरी वर्णमाला, इसी प्रकार से इसीलिए तत्व ज्ञान क्या है, प्रकृति के 24 तत्व और 25वें उस परम पुरुष को जान लेना ही तत्व ज्ञान है। कोई कहे कि हम सीधा जान गए तो सांख्य शास्त्र क्या कहता, संभव ही नहीं। आपको इन 24 तत्वों को जानते जानते ही आप 25वें परम पुरुष तक पहुंचेंगे, ऐसे नहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए अष्टांग योग इसीलिए तो है, उसके तो एक ही योग होता, अष्टांग एक ही एकांग योग होना चाहिए, अष्टांग क्यों हो रहा है, आठ अष्टांग उसके एक एक अंग आगे बढ़ते हुए हमको जाना। तो ये इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है कि तत्व ज्ञान क्या है। तो ये सांख्य शास्त्र ही एक शास्त्र है जो तत्व ज्ञान को प्रतिपादित करता है, तत्व ज्ञान को प्रस्तुत करता है। तो इसके तत्वों का ज्ञान, सांख्य के तत्वों का ज्ञान, जो 25 की संख्या है, इन 25ों का ज्ञान हो जाना पूर्ण तत्व ज्ञान है। तो हम इसको समझे, जाने और तत्व ज्ञान की ओर अग्रसर हो, कैसे अग्रसर होंगे, तो अष्टांग योग उसका माध्यम है। हम अष्टांग योग के मार्ग पर चलेंगे तो हम तत्व ज्ञान को प्राप्त होंगे, हम पूर्ण ज्ञानी बन सकते हैं, अगर हम अष्टांग योग के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं कपिल मुनि के। तो सांख्य से ही पतंजलि योग सूत्र विकसित हुआ, सांख्य से ही बौद्ध दर्शन विकसित हुआ, सांख्य जैसी मान्यताएं ही जैन में, जो आत्मा की जो है अनेकात्मवाद है, वो अनेकात्मवाद सांख्य में भी विद्यमान है। यह संसार दुखमय है, यह तथ्य भी सांख्य में विद्यमान है, जो कि बौद्ध के अंदर भी मिलता है। तो सांख्य से ही बौद्ध विचारधारा विकसित हुई है। तो ये सांख्य से, इसके प्रचुर प्रमाण है। अगर आप दर्शन और आइडियोलॉजीज की बात करेंगे, आदर्शों को, सिद्धांतों की बात करेंगे, तो वो भी मिलते हैं। और अगर आप कथाओं की बात करेंगे कि बुद्ध ने कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया, किन गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया, तो उसमें भी ये प्रमाणित होता है कि बुद्ध उन गुरु। तो मूलतः सांख्य जो अष्टांग योग है वो सांख्य शास्त्र का ही विषय है, लेकिन उसकी विशद व्याख्या पतंजलि योग सूत्रों में मिलती है। विशद व्याख्या, ये मन, ये कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, इनकी भी विशद व्याख्या पतंजलि योग सूत्रों में मिलती है। तो इस प्रकार से योग सूत्र का में उसकी विशद व्याख्या हो जाती है। जैसे कि सांख्य में प्रकृति और पुरुष की विशद व्याख्या है, तो पतंजलि में पुरुष और प्रकृति की विशद व्याख्या आपको नहीं मिलेगी, जो अष्टांग योग है उसकी विशद व्याख्या मिलेगी, और उसके लाभ, उसके प्रभाव के मन की व्याख्या मिलेगी, विचारों की व्याख्या मिलेगी, कल्प विकल्प की व्याख्या मिलेगी। तो ये जो है
पतंजलि योग सूत्र का विषय है। जब हम योग सूत्रों पर आएंगे, योग दर्शन पर, योगा फिलॉसफी, पतंजलि जो जिसके जनक हुए, तो उस पर जब हम आएंगे तो उसकी व्याख्या हम करेंगे। लेकिन पतंजलि के योग सूत्रों का आधार, इसलिए सांख्य योग ये एक आधारशिला के दर्शन है, न्याय वैशेषिक एक आधार पर बात करते हैं, मीमांसा वेदांत का एक आधार है, वो है मीमांसा ग्रंथ, इसको जैमिनी ऋषि और वेद व्यास जी ने लिखा था। 20 अध्यायों में से 12 अध्याय जैमिनी के हैं, 16 अध्याय तक दोनों ने लिखे हैं, और फिर जो है 4 अध्याय जो बच गए 20 में से, उन 4 अध्यायों की रचना जो उत्तर मीमांसा उसे कहते हैं और पूर्व मीमांसा, तो उसकी रचना वेद व्यास जी ने किया जो वेदांत का आधार बना, और 12 अध्याय जो पूर्व मीमांसा के हैं वो मीमांसा दर्शन का आधार बनते हैं। तो वो एक आधार पर बात करते हैं, वेदांत मीमांसा और न्याय वैशेषिक एक आधार पर, सांख्य योग एक आधार पर। अंतर है क्योंकि सांख्य में अनिश्वरवाद है, भाई दुनिया किसने बनाई, तो ईश्वर ने नहीं बनाई, सीधा सांख्य कहता है, ठीक। लेकिन पतंजलि में ईश्वर की मान्यता आ जाती है थोड़ी सी, कैसे आती है जब हम उसको सुनेंगे तो उसको हम समझ पाएंगे कि किस प्रकार से ईश्वर का कॉन्सेप्ट उसमें घुसाया हुआ है या लिया हुआ है। तो सांख्य शास्त्र का जो तत्व ज्ञान है, तत्व ज्ञान की चर्चा सांख्य की चर्चा है, ब्रह्म ज्ञान की चर्चा वेदांत की चर्चा है। तो हाँ, ये हो सकता है कि साधना या अंतर ज्ञान के आधार पर दोनों एक ही तत्व हो या एक ही तत्व है, वो अलग बात है। लेकिन दोनों में अगर हम, अगर ज्ञान की बात हम करेंगे तो दोनों एक ही मार्ग को बताते हैं वहां तक पहुंचने का, ज्ञान प्राप्ति का। तो ये हमें समझना है। तो सांख्य का जो तत्व ज्ञान है, जब हम तत्व ज्ञान की चर्चा करते हैं सांख्य की, या हम सिर्फ तत्व ज्ञान भी कहते हैं तो वो भी सांख्य से संबंध है। अब श्रीमद् भगवद गीता में तत्व दर्शन, तत्व ज्ञान की चर्चा होती है, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतद् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यह तो अन्यथा, भगवान श्री कृष्ण ऐसे अर्जुन से कहते हैं। तो ये तत्व दर्शन, तत्व ज्ञान, तत्व शब्द क्यों हो रहा है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता का आधार भी सांख्य शास्त्र है, श्रीमद् भगवत गीता का आधार भी, उसमें सांख्य शास्त्र का समावेश उसमें बहुत सबसे जाता है, क्योंकि वेदांत, वेदांत की जो विचारधारा है जो विकसित किया गया, ब्रह्म सूत्र जब लिखे गए तो वो श्री कृष्ण के बाद लिखे गए, लेकिन ये जो सांख्य शास्त्र जब आया तो वो श्री कृष्ण से पहले ही आ चुका था। तो स्वाभाविक है कि वो जो पहले की चीज, अपने समय जो व्यक्ति, हम जैसे आज हम अगर कुछ अध्ययन कर रहे हैं तो हम अपने से पहले की चीजों का अध्ययन कर रहे हैं, तो उसी प्रकार वहां पर श्री कृष्ण ने जब श्रीमद् भगवद गीता का वाचन किया अर्जुन के समक्ष, तो उसमें सांख्य ही विशेष था, क्योंकि उस समय सांख्य दर्शन प्रस्तुत हो चुका था, आ चुका था, उसकी व्याख्याएं, उसकी टीकाएं, उसके सूत्र लिखे जा चुके थे। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण, श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को जो उपदेश देते हैं उसका आधार सांख्य बनता है। इसलिए उसमें तत्व शब्द का प्रयोग है, तत्व ज्ञान, तत्व दर्शन, ये जो टर्मिनोलॉजी है ना, टर्मिनोलॉजी से पता चलता है कि कौन सी बात किस शास्त्र की है। जब भी हम ब्रह्म ज्ञान या ब्रह्म शब्द का, तो ये जो टर्म है ये वेदांत का है। जब हम कहते हैं पुरुष, परम पुरुष, पुरुषम महांतम, जब हम कहते हैं तो ये जो टर्म है, ये जो विषय, ये सांख्य का है, ये सांख्य का विषय है ये, ठीक। तो सांख्य के अनुसार इन 25 तत्वों का ज्ञान, 24 प्रकृति के और 25वां उस परम पुरुष को जान लेना तत्व ज्ञान है। इसको तत्व ज्ञान, और इसको प्राप्त करने के लिए करना क्या पड़ेगा, अष्टांग योग के मार्ग पर चलना पड़ेगा, तो जाकर ऐसा तत्व ज्ञान संभव हो पाएगा, हम वो तत्व ज्ञानी बन पाएंगे जब उस परम चेतना को हम जान लेंगे। तो ये तत्व ज्ञान का विषय सांख्य शास्त्र के अनुसार था। तो जब हम साधना के मार्ग पर चलेंगे, जाने सिर्फ अध्ययन नहीं, अध्ययन का लाभ तभी जब हम अंतर्मुखी होना सीख जाए, इंट्रोवर्ट मेडिटेशन यहाँ पर बताया जाता है, उसमें लोगों को दीक्षित किया जाता है, उसमें लोगों को अंतर्मुखी होने के रास्ते, मार्ग बताए जाते हैं कैसे ध्यान के द्वारा अंतर्मुखी होना है, साधना के द्वारा। तो ये यहाँ पर दिव्य सृजन समाज के द्वारा अष्टांग योग पर आधारित ये साधना लोगों को बताई जाती है, करवाई जाती है। तो हम जानना चाहें आप संपर्क कर सकते हैं।
क्या कैसे हो संभव हो पाएगा। तो ये हम समझे जाने और अपने जीवन का हम कल्याण करें। तो जब हम उस अष्टांग योग को जानेंगे तो उसके मार्ग पर चलेंगे, समझेंगे कैसे चलना है, तभी जाकर ये तत्व ज्ञान संभव हो पाएगा हमारे जीवन में। इसी के साथ आज के विचारों को विराम, धन्यवाद।